नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन ज्योतिष रिभाव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शादी में बार बार रुकावट आ रही है तो उसके बारे में उपाय टोटका बताऊंगा। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करते टाइम बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि मेरी जो नई वीडियो आती है उसके अपडेट आप तक पहुँचती रहेंगी। दोस्तों, ये जो चैनल है ज्योतिष की जानकारी देने के लिए बनाया है। इस चैनल में मैं आपको ज्योतिष शास्त्र, हस्तरेखा शास्त्र, कुंडली शास्त्र और न्यूमरोलॉजी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इससे जुड़े जो टोटके रहते हैं, जो उपाय रहते हैं, वो भी बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपका प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में जाके मुझे कमेंट कीजिए, उसका सोल्यूशन देने का प्रयास मैं करूँगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रयास मैं करते जाऊँगा। तो दोस्तों, आज का जो उपाय है, जिन किन को शादी में रुकावट आ रही है, आप बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं लेकिन शादी नहीं हो रही है, शादी में अड़चन आ रही है, शादी में प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए उपाय तो आज बताने जा रहा हूँ। बेहद ही असरदार उपाय है दोस्तों, आप एक बार करके देखिए। जिन किन की शादी नहीं हो रही है वो ये उपाय कर सकते हैं। उपाय भी एकदम सिंपल है। तो देखिए, विवाह योग्य लोगों को शीघ्र विवाह के लिए प्रत्येक गुरुवार को नहाने वाले पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, हर गुरुवार, प्रत्येक गुरुवार को अब जब नहाते हैं तो पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर आपको स्नान करना चाहिए। और दोस्तों, शुक्ल पक्ष के हर सोमवार को व्रत रखें और आपको आंकड़े के 8 पात लेने हैं, 8 पत्ते लेके उसकी पूजा अर्चना कर 7 पत्तों की एक थाली बना लेनी है और 8वें पत्ते पे आपका नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पण करना है। तो दोस्तों, आपको आंकड़े के 8 पत्ते पे पूजा करके 7 पत्तों की थाली बना के 8वें पत्ते पे आपका नाम लिखकर उसे शिवजी को अर्पण करना है, पूजा अर्चना करना है, भगवान का नाम लेना है। इससे आपके शादी में जो रुकावट आ रही है, जो प्रॉब्लम आ रही है, वो सॉल्व हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसे ही आने वाले बहुत से टोटके उपाय मैं आपको बताते जाऊंगा, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।